मैं प्रियंका राज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारा प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। जी हाँ, लगातार हम आप लोगों के बीच अपडेट बनाए हुए हैं हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादीशुदा जिंदगी को लेकर, और किस तरह से क्यों आखिर वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक लेना चाहते हैं, जिस शादी को लगभग 6 से 7 महीने हुए हैं उसके बाद ही वो अपनी पत्नी से आखिर क्यों अलग होना चाहते हैं। लगातार इस पर अपडेट बने हुए हैं। आज एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं, और इस बार हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए, कई तरह की जानकारियां देने के लिए मौजूद है अनुज जी, और जो कि नेक्स्ट टाइम न्यूज़ टेक के हेड हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और काफ़ी टाइम से इन्होंने काफ़ी टाइम पॉलिटिक्स पे भी काम किया है, और ख़ासकर तेज प्रताप की जो ये खबर है वो लगातार ये फॉलो कर रहे हैं, और इस पर क्या क्या चीज़ें खुलकर सामने आई है, किस तरीके से बात विवाद हो रहे हैं, पक्ष विपक्ष की बातें हो रही हैं, उस पर पूरी तरीके से इनकी नज़र बनी हुई है। तो जहाँ अपडेट की बात करें तो आज एक बार फिर से अपडेट आया है तेज प्रताप को लेकर के। अनुसर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि 23 नवंबर लोग ये आस लगाए हुए थे, कयास लगा रहे थे कि 23 नवंबर तेज प्रताप घर लौट जाएंगे, लेकिन 23 नवंबर बीत गया, तेज प्रताप अभी भी घर नहीं लौटे हैं। तो क्या, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कब तक वो घर लौटेंगे, उनके घर लौटने के आसार हैं तो क्या है? देखिए, मैं बात बताना चाहूँगा कि लगातार उनकी जिस तरीके से राजनीति को, अगर आप राजनीति में जाएंगे तो बड़े छोटे बेटे को जिस तरीके से लालू यादव ने पूरी कमान सौंप दी है, तो पहले से तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव देखा जा रहा था। क्योंकि राजनीति में अगर बड़े भाई को अगर आपने उपेक्षा का शिकार बना दिया और छोटे भाई को पूरी कमान सौंप दी है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आ जाती है मन में कि यार, छोटा भाई को पूरा कारभार सौंप दिया और मैं सिर्फ, मुझे कुछ नहीं दिया गया है, तो एक अलग मन में मनमुटाव हो जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं पहले से ये नाराज़गी थी तेज प्रताप यादव की, और वो लगातार इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। अनुसर, मैं यहाँ पे छोटी सी क्वेश्चन ही पूछूं कि लालू ने ऑफिशियल तौर पर किसी बेटे को अपना कारोबार नहीं दिया है, अपना कारोबार नहीं संभाला है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि तेज प्रताप को भी अपना अधिकार, अपना जो काम है वो करना चाहिए था, और तेजस्वी को, तो तेजस्वी ने अपने काम से प्रूफ किया, शायद इसीलिए आज नहीं, वो बात है कि तेजस्वी यादव ने उनकी पॉलिटिक्स की क्षमता कितनी है, वो आगे आए, आगे चल के उन्होंने पार्टी का नेतृत्व जिस तरीके से कर रहे हैं, लालू यादव जेल में है और इसके बाद पूरी पार्टी की कमान वो थामे हुए है। लेकिन अगर आप उस तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं, हालांकि इस समय तेजस्वी यादव का साथ तेज प्रताप को देना चाहिए, लेकिन इस समय वो क्या है, पूरी तरीके से नाराज दिख रहे हैं, पार्टी से भी, घर से, अब उनकी पत्नी के साथ जिस तरीके से मेलजोल नहीं हो पा रही है, 6 महीने बाद तलाक हो जाती है, आप तलाक होने की कगार पे आ जाते हैं आप, तो आप समझ सकते हैं कि घर में कुछ ना कुछ इस तरीके का चल रहा है माहौल, कि पर्दे के पीछे क्या माहौल है, किस तरीके से तेजस्वी यादव नाराज हो रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि आपने ये देखा होगा कि तेज प्रताप यादव लगातार कभी बंसी बजाते हुए नजर आ जाते हैं, कभी कृष्ण का रूप रख लेते हैं, कभी शंकर भगवान का रूप रख लेते हैं, और कभी बनारस नजर आते हैं, तो कभी कभी वृंदावन नजर आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं अपना जो व्यू रखता हूँ, कि उनका जो ग्रस्त जीवन से ना मोह भंग हो गया है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ ईश्वर की भक्ति में ज्यादा उनका मन लगता है। हालांकि विवाह, उन्होंने शादी होने के बाद अब बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी और उनके बीच कहीं ना कहीं पत्नी ने पिता की जो टिकट मांगने का कहीं ना कहीं उन्होंने प्रस्ताव रखा, उससे नाराज है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के खबरों में आती हैं, लेकिन असली वजह पर्दे के पीछे क्या है ये नहीं, अभी तक लौटने का हो रहा था कि 23 तारीख को लौट रहे हैं, लेकिन अभी खबर नहीं आई है कि वो घर लौटे हैं कि नहीं लौटे। ये भी समझ में आ रहा था कि पिछले दिनों राबड़ी देवी, उनकी माँ दिल्ली आने वाली है अपने किसी केस के सिलसिले में, तब उनकी मुलाकात दिल्ली में हो सकती है, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव खुल के क्या चाहते हैं, खुल के नहीं बता रहे हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है,
तो ये इस पर उनको अपना व्यू रखना चाहिए परिवार के बीच, और समस्या बतानी चाहिए कि ये मेरी समस्या है, इसका हल करिए, वरना हम घर से दूर हो जाएंगे, या फिर अगर इस समस्या का सॉल्यूशन अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर हम घर में वैसे ही माहौल हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो हमारे अनुज सर का साफ कहना है कि भाई घर में दरार काफी समय पहले पड़ गई थी और शायद ये पर्दे के पीछे की बात थी जो अब खुलकर सामने आ रही है एक-एक करके। और रही तेज प्रताप के घर वापसी की बात, तो अभी तक तो उनका आसार और उनकी तरफ से कोई फैसला नजर नहीं आ रहा कि कब तक वो लौटेंगे, लेकिन देखते हैं अगर अपने हट से वो कब हटते हैं। और एक चीज में और दिखाना चाहूंगा, तेज प्रताप यादव का मैंने ये ट्वीट अभी निकाला है, इसमें तेज प्रताप यादव का ट्वीट, हाँ तो नहीं हेल्थ का तो है ही, लेकिन इसमें उन्होंने कल एक ट्वीट किया है कि टूटे से फिर ना जुटे गांठ पर जाए, मतलब टूटे अगर जब किसी माला को आप तोड़ देते हैं तो अगर आप दोबारा जोड़ेंगे तो उसमें आपको गांठ देनी पड़ेगी और वो जिंदगी भर के लिए गांठ हो जाती है। उनका मकसद यही कहना है कि अगर अब भी अगर आप जुड़ेंगे, अगर ये परिवार जुड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं खटास आ जाएगी। मतलब उनका भी ये साफ अपने से इस दोहे की दो लाइन से क्लियर हो जाता है कि अब अगर जो मैं घर वापसी लौट भी जाता हूँ और इस रिश्ते को स्वीकार भी करता हूँ तो वो गांठ कहीं ना कहीं रह जाएगी जो शायद हमेशा लोगों को नजर आएगी, हमेशा ये रिश्ते को खटास में बदलती रहेगी। अच्छा बात करते हैं, देखिए ये तो उनका घरेलू मामला हो गया, और हालांकि देखिए लालू परिवार बहुत अपने आप में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि तेज प्रताप को बहुत ऐसे रीजन है जैसे कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, 2019 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तेजस्वी अकेले हैं, तो उनको आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्हें घर वापस लौट जाना चाहिए और अपने कारोबार जो होता है अपने भाई का या अपने पिता के प्रति जो उनका काम है, जो उनके तरफ से कह सकते हैं उनको उनका हक बनता है, उनकी जरूरत है, वो उन्हें पूरा करना चाहिए? मैं पहले वही कह रहा हूँ कि उनकी जिम्मेदारी, अगर बड़े बेटे के रूप में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं पिता की अनुपस्थिति में, तो अगर पिता घर में नहीं है तो उनकी उनका फर्ज बनता है कि पार्टी का कार्यभार, लोकसभा चुनाव आने वाला है, आपको पूरा कार्ट अपने छोटे भाई के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। लेकिन अब वो किस तरीके से उपेक्षा का शिकार बन रहे हैं, उनका छोटा भाई उनका तवज्जो नहीं दे रहा है, या फिर घर में राजनीति के क्षेत्र में उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है क्या, ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ है उनके मन में जो साफ क्लियर नहीं है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो एक परिवार के रूप में सब कुछ ठीक हो जाता है और ये उनकी माताजी रावड़ी देवी को भी आपस में बैठा के अपने दोनों बेटों को और या उनकी पत्नी को तेज प्रताप यादव की, तो उनको मामला को कहीं ना कहीं सुलझाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ी सियासत चल रही है परिवार के बीच में और बहुत बड़ा कलह चल रहा है जो नजर नहीं आ रहा है किसी को, लेकिन एक दिन इसका पूरा भेद खुलेगा। मतलब कहीं ना कहीं राजनीति परिवार पे हावी पड़ रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उन्हीं की राजनीति उन्हीं को हावी पड़ रही है। हाँ, परिवार और ये चीज सिर्फ क्योंकि या तो ये मान लीजिए कि गिरिराज साहब बिल्कुल खराब है, जिस तरीके से चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को जेल के अंदर की हवा खानी पड़ रही है जेल के अंदर, और उनके सारी संपत्ति जो थी अनर्गल जो संपत्ति थी उस पर जिस तरीके से कब्जा सरकार का हो गया है और उन पर केस चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घर में बहुत सारी समस्याओं का अंबार टूट पड़ा है जो कहीं ना कहीं अब बचना मुश्किल है उनका। जी जी। अच्छा कल एक अपडेट आई थी कि जहां एक और तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या को लेकर उनके तलाक के ऊपर कंटिन्यू बातें चल रही है, वहीं तेजस्वी और तेज को लेकर के एक बयान आ गया था कि अब वो घर वापस लौटते हैं, तो वो उनके जो भाई है तेजस्वी वो सरकारी बंगले को लेकर जो नीतीश सरकार है उसको उनको घेर रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया मैं ये बंगला खाली नहीं करूंगा, जबकि बिहार सरकार की तरफ से तेजस्वी को बंगला खाली कर जो सरकारी बंगला उसे खाली करने का, तो क्या लगता है आपको अपने अब भाई यानी तेजस्वी की जो ये लड़ाई है, क्योंकि बंगले को लेकर सिर्फ तेजस्वी की तरफ से बयानबाजी हो रही है, उनकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही है उनकी तरफ से, तो क्या लगता है आपको कि तेज प्रताप को आगे चल के आना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्या वो साथ देंगे अपने भाई के लिए 29 नवंबर, क्योंकि 29 नवंबर को मैं फिर से आपको बता दूं कि 29 नवंबर को सुनवाई होने वाली है तलाक की अर्जी को लेकर के, तो क्या 29 नवंबर से पहले अपने भाई के लिए तेजस्वी के लिए वापस लौटेंगे?
ये अलग मैटर है कि बंगले खाली के लिए जो बात सामने आई है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही फरमान है कि जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले आवंटित किए गए हैं वो खाली बहुत पहले कर देने चाहिए। नहीं, तेजस्वी का कहना है मैंने उसमें पैसे लगाए हैं, करोड़ों रुपए का मैंने उस पे लागत लगाया है, तो वो बंगला मेरा हुआ। अगर जैसी बात आपने पूरी संपत्ति भी लगा दी, उससे कोई फायदा नहीं है, सरकारी बंगला है तो आपको खाली करना पड़ेगा। तेज प्रताप इसका साथ देंगे तेजस्वी को? देखिए, तेज प्रताप आना चाहिए उनको या नहीं? तेज प्रताप इस तरीके का माहौल दिख रहा है कि भाई भाई का नहीं हो रहा है, लेकिन उनको लगातार मनाया जा रहा है और उनके मन में जिस तरीके की भावना चल रही है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि तेजस्वी यादव के लिए उनकी जो भावना है कि वो राजनीति के क्षेत्र में जिस तरीके से प्रगति कर रहे हैं पूरा कारभार समय, तो कहीं ना कहीं उनके बीच मन मुटाव है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि वो साथ देंगे आकर के, और साथ अगर उनके मन में भगवान की अगर ऊपर की कृपा भगवान की कृपा हो जाए तो भले ही कुछ हो सकता है, उनका परिवर्तन हो जाए या हृदय परिवर्तन हो जाए तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल दिख रहा है परिवार का, तो मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी का साथ देंगे। बिल्कुल, मतलब ऐसा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाई रूप अनेक, रूप एक और रंग अनेक, मुझे कुछ ऐसा ही लालू परिवार में दिख रहा है, ऐसा कहना हमारे अनुसर का। और देखा जाए तो वाकई में इस समय पर बहुत चीजें ऐसे खुल के सामने आ रही है जो राजनीति तौर पर पारिवारिक तौर पर दोनों तौर पर हैरान करने वाली है। चलिए देखते हैं आगे लालू परिवार में क्या कुछ बीतता है, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां होती है, किसकी तरफ से क्या बयानबाजी होती है। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए और खासकर बिहार पूर्वांचल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जाते जाते अनुसर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे प्रोग्राम में आए और इतना अपना कीमती समय दिया। और बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहिए, हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरी को देखते रहिए। नमस्कार।